अब शामिल करते हैं कराची से। कराची के इलाका डिस्ट्रिक्ट वेस्टिंग मंगूपीर के इलाका वंगी कोर्ट में एक बेवा औरत के साथ जुल्म की इंतहा। चार शख्स पसंद नासिर घर में घुसकर हवा की बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इजाज अहमद खान से। जी इजाज। जी नानी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगूपीर की हदूद में मौजूद हूँ। वंगी कोर्ट का ये एक इलाका है, यहाँ पर ये खातून रिहायश पजीर है। इनके साथ एक कल गुज़श्ता रात पहले एक वाकया पेश आया था। चार शख्स पसंद अनासिर गुंडे की सूरत में इनके घर में मुंतकिल होते हैं, दाखिल होते हैं, इनकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करते हैं, इनकी इज्जत में हाथ डालते हैं। ये माँ हव्वा की बेटी जुल्म का शिकार होकर जब थाने जाती है अपनी फरियाद लेकर, तो इनको वहां पर इनके साथ क्या सोचा होती है इनकी जबानी से जानते हैं। अपने घर में थी और मेरे घर में चार लड़कों ने घुस के मेरे घर में मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, मेरे साथ जुल्म ज्यादती करने की कोशिश की, जिस वजह से मैंने शोर शराबा किया। मेरे मकान मालिक मेरे घर पे आए और उन्होंने जब देखा कि मेरे पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। जैसे मेरे दुपट्टा वट्टा मेरे जिस्म पे डाला तो वो लड़के भाग रहे थे। जैसे उन्होंने लड़कों के पीछे भागने की कोशिश की, लड़कों ने उनके ऊपर भी हमला किया जो मेरे मकान मालिक थे। मकान मालिक क्या नाम था? उनका नाम है मोहम्मद इरफान। उस पर हमला किया, उनके ऊपर भी हमला किया, उनको भी मारपीट करने की कोशिश की, उनको भी मारा, जिसमें से हम लोग थाने गए और थाने में हम लोग दरख्वास्त करने के लिए गए और मैं वहाँ पे थाने में बताने के लिए गई, लेकिन वहाँ पे मुझे 2 घंटे थाने में बैठाया रहा। मेरा कोई वो नहीं कर रहे थे, मतलब कि मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि तुम कहाँ से आए। क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि भाई बेवा औरत हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं कराई के घर पे रह रही हूँ, उस तरह मेरे साथ ये हमला हुआ। वो कह रहे थे नहीं तुम्हारा अनासी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, हम तेरा केस नहीं चलाएंगे। लेकिन बाद में 2 घंटे के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उन्होंने बाद में मेरा केस चलाया और बाद में मेरी रिपोर्ट निकाली, जिसमें से मैंने मोहम्मद डी एस पी इरफान ने उन्होंने फिर मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ बहुत हेल्प की और उन्होंने मेरा साथ दिया, फिर उन्होंने मेरी एफ आई आर कटवाई। अच्छा, जब वहां पर जो आपके साथ जब ये हादसा पेश आ रहा था तो उस वक्त वहां पर मौजूद कौन था? जब ये हादसा पेश आ गया तो मौजूद कौन होता? मेरे पास मौजूद मेरे मकान मालिक थे, तो वो भी पहले नहीं थे, मैं अकेले थी, वो बाद में आए, जिसे मुझे बचाने के लिए उनके ऊपर हमला हो गया और उनको मारपीट शुरू कर दी उन लोगों ने। उनका नाम मोहम्मद इरफान है, मेरे मकान मालिक थे। जी नाज़रीन, इस खातून की आपने दादरसी सुनी होगी। इस खातून के साथ ये जुल्म की एक इंतहा हुई है। इनके साथ चार शख्स पसंद अनासिर गुंडे की सूरत में जब हमने जराए से इलाके से मालूमात किया तो वो मंगूपीर का यहाँ पर का लागो नामी ग्रामीण लैंड गिरप्पा सलीम और बुरोई का बेटा है। जब हमने जराए से मालूमात की, जब मालूमात करने के बाद पता चला कि यहाँ का जो नामी ग्रामीण लैंड गिरप्पा सलीम और बुरोई उसका बेटा और दीगर उसके 3 अशकाल मौजूद थे जो इस खातून के घर में घुस गए थे। घुसने के बाद इनके साथ इनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, इनके घर के तकद्दस को पामाल किया और घर में घुसे बताए। उसी दौरान जब ये शोर शराबा कर रही थी तो ऑन द स्पॉट मौके पर इरफान नामी शख्स जो है वो वहां पहुंच जाता है, वो जो इनका माली मकान है इरफान नामी शख्स वहां पहुंच जाता है। क्या होता है, क्या होता है आगे का सुटाल वो उनकी जबान जानते हैं। जैसे जाए वक्त में पहुंचता हूँ, शोर शराबे की आवाज आती है, मैं गेट इन करके अंदर जाता हूँ तो चार अफराद इनके कपड़े मतलब इनके ऊपर हाथ डाला हुआ, कपड़े वपड़े इनके फाड़े हुए थे, उनके ऊपर मैंने मतलब अटैक किया, मैंने उनसे छुड़ाया, फिर वो भागे उनके पीछे में भागा, फिर उन्होंने मुझे मारा, पत्थर से मुझे मारा, मुझे जख्मी भी किया। तो काफी देर तक हम लोग तो जब आप जब इनके घर में जब घुसे थे तो इनका पुराना हालत था, तो आपने क्या किया? फिर मैंने दुपट्टा उठाया, चादर उठाई, इनके सर पे रखा, फिर आवाम भी इलाके मकीन भी भाग भाग के पहुंचे, सब आने लगे तो उनको भी मैंने रोका जैसे अंदर आने से, तो इनको एक चादर ओढ़ के सेट पे बिठा दिया, मैं फिर भागा शोर करते हुए, तो वो लोग भी भाग रहे थे, उनके पास वोल्टो फाइव की सी डी 70 भी थी, तो उनकी गाड़ी भी गिरी, मतलब वो कामयाब हो गए निकलने में। तो वो उन्होंने फिर मारा मुझे, काफी पत्थर भी मारे और ये हाथ भी डैमेज किया सारा, तो निकलने में वो कामयाब हो गए। थाने आप लोग गए थे, थाने में आप लोग सुनवाई हुई? जिससे हम थाने में गए कंप्लेंट 15 पे इतला दी, पहले हमने काफी टाइम हुआ 15 के लिए आए, फिर यहाँ से गाड़ी थाने बंगा पे पहुंचे हम, तो जैसे ऐसे जो साहब के तरफ कमरे की तरफ गए, जैसे जो साहब नहीं थे कहीं आगे पीछे, तो फिर काफ़ी देर बिठाए 2 घंटे हमें, फिर DSP इरफान कोबरा वो आए, उन्होंने पूछा हमसे क्या वाकया हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उनको हमने बताया, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमें। तभी SSP वेस्ट मैडम से रिक्वेस्ट है कि इनके साथ बहुत सरासर नाजायज हुआ है, इलाका मकीन भी है, अल्लाह ना करे कि सब हमारे घर है और माएँ बहनें भी रहती हैं, ये लोग लैंड माफी हैं, वो इनका ये करते रहते हैं, और हमें ताउन चाहिए। और जी नाज़रीन, ये शख्स इरफान साहब है, इनका यही मुतालबा है आला हुकाम से कि हमें तहफ़ुज़ चाहिए,
क्योंकि सलीम नामी शख्स गुज़श्ता दिनों कई एफआईआर में होने के बावजूद मुतअरिद बार गिरफ्तार हो जाता है और जेल जाने के बाद वो कोर्ट के जरिए अदालत के जरिए वो जमा होकर अदालत के जरिए जमानत के तौर पर ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद फिर इनके ही सूरत शनाख्त शक्ल में लोग जो होते हैं वो जो बेटे और इनके दीगर जो लोग हैं वो इसी तरह दरिंदे की सूरत में इस इलाके मंगी रोड का एक इलाका है, गरीबों का एक इलाका है, यहाँ पर घूमते रहते हैं और ऐसे ही शरीफ नास खातून के साथ ज्यादतियात करने की कोशिश करते हैं, इनके इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं और इनके साथ इनके घर के चार दीवार तकद्दस का पमान करते हैं। ये खातून का और आला हुक्म से क्या अपील है, इनकी जबान जट रहे हैं कि ये आला हुक्म से क्या अपील करना चाहती है? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इस प्लेटफॉर्म में जिसको जाएगा तो मुझे इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि जो आज मेरे भाई से हादसा कर सकते हैं वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी औरतों को मजबूरी रहती है, मेरी आगे कुछ नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ तो मेरे को बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत गर्मी में वापस किया जाएगा, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी नाजी, जैसे कि आपने इस खातून की जबान से इनका यही कहना है कि मैं आला हुकाम से DSP वेल मंगोपीर और SFP वेस्ट मैडम स्वाय अजीज साहिबा से ये अपील पुरजोर करती हैं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये खातून जो है ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगापीर के हदूद मंगी रोड में ये अकेले खातून है, एक बेवा खातून है बेचारी, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घर में अकेली थी, ऐसा ना हो कि ये दरिंदे शब्द दोबारा ये इनको शिकार करने की कोशिश करें, तो इसीलिए ये आला हुकाम से अपील करती हैं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और उस शख्स अनासिर के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ एजाज अहमद खान, 24/7 न्यूज़, प्रभाची।